नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस, कैरियर, मोटिवेशन, अर्न मनी, मार्केटिंग आदि के बारे में जानकारी देते हैं। समय समय पर हम ग्रामीण भाइयों के लिए गांव में ही किए जाने वाले बिजनेस के बारे में जानकारी देते रहते हैं। कई ग्रामीण भाइयों ने मेडिसिनल प्लांट यानी औषधीय पौधे लगाने के वो उनसे होने वाली कमाई के बारे में जानकारी मांगी थी। इस वीडियोज़ में तुलसी की खेती और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके पहले भी हमने ग्रामीण भाइयों के लिए कई वीडियो पब्लिश किए थे जिसे काफ़ी पसंद किया गया था। ग्रामीण भाइयों के विशेष मांग पर हम ग्रामीण रोजगार के बारे में एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम सप्ताह में एक या दो बार वीडियो पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद की डिमांड बढ़ने से औषधीय पौधे की मांग काफ़ी बढ़ रही है, जिसके चलते औषधीय पौधे की खेती आज काफ़ी फायदेमंद होता जा रहा है। तुलसी की खेती कर कम दिनों में अच्छा लाभ पा सकते हैं। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार तुलसी की कई उन्नत किस्में तैयार कर ली गई है, जिनके द्वारा काफ़ी कम दिनों में अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये किस्में 120 दिन से लेकर 150 दिन में तैयार हो जाती है। एक हेक्टर खेत में तुलसी की खेती करने में 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च आता है। इस तैयार फसल से 3 से 4 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। तुलसी के औषधीय गुण की वजह से दवा और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसकी काफ़ी मांग है। तुलसी की फसल लगभग हर तरह के ज़मीन में आसानी से तैयार हो जाती है। जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, वे ठेके पर ज़मीन लेकर भी तुलसी की खेती कर सकते हैं। तुलसी की खेती की बुआई दो तरह से की जाती है, एक तुलसी के कलम द्वारा और दूसरे उसके बीज द्वारा। प्रथम वर्ष में बीज द्वारा पौधे लगाना अच्छा रहता है, अगली बार वे इन्हीं पौधों से कलम तैयार कर सकते हैं। तुलसी की फसल के लिए अप्रैल से जून महीना उचित रहता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट यानी सिनेप लखनऊ के वैज्ञानिकों के अनुसार इन दिनों संस्थान ने तुलसी की नई किस्म सौम्या ईजाद की है। इस पर बीमारी का असर भी कम होता है और इसकी पैदावार भी काफ़ी अधिक होती है। इसे तैयार करने में भी काफ़ी कम खर्च आता है। तुलसी के पौधों से दो तरह के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, पहला बीज, दूसरा पत्तियाँ। इसके बीज को सीधे मंडियों में बेच सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी औषधीय पदार्थों की बिक्री आसानी से कर सकते हैं। कई ई कॉमर्स वेबसाइट जो ऐसी चीज़ों की बिक्री कर रही है, पत्तियों का तेल निकालकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। बीज की कीमत 120 से 150 रुपए प्रति किलो तथा तेल की कीमत 190 से 200 रुपए प्रति किलो तक मिल जाते हैं। सीधे मार्केट में बेचने की बजाय आप अपने आसपास के शहरों में आयुर्वेदिक दवाइयों के निर्माताओं से मिलकर फसल को तैयार होने के पहले भी बेच सकते हैं। इससे आपको अच्छा दाम मिल सकता है, साथ ही फसल तैयार होने के बाद ग्राहक की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। कई राज्यों में शासन द्वारा तुलसी की खेती के लिए अनुदान भी दिया जाता है। इसके लिए जिले के उद्यान वानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं, जहां औषधीय पौधों की नई प्रजातियों को तैयार करने के लिए ज़मीन ली जाती है, इसके बदले में रकम दी जाती है। इस बारे में कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पर भी जानकारी मिल सकती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मित्रों, आपको तुलसी के फसल के बारे में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस बारे में यदि और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। बिजनेस से संबंधित यदि नियमित जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। नमस्कार।